इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से सिंगापुर में आप जॉब कर सकते हो, कितने लाखों का पैकेज आपका होता है, क्या आपकी लिविंग कंडीशन होती है यहाँ जॉब करने या अरब कंट्रीज में जॉब करने में आपको क्या फ़र्क मिलता है, या फिर यहाँ जो ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर जॉब हो उन दोनों में क्या अंतर है, क्या आपका फैमिली स्टेटस रहेगा, कितनी इनकम होगी, कितनी सेविंग हो जाएगी, क्या खर्चे होने वाले हैं, अगर फैमिली को यहाँ ले आते हो तो क्या होने वाला है, और आपकी जॉब के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत सारी जॉब्स मिले और वो भी सिंगापुर, जैसे मैं जहाँ खड़ा हूँ इसको बोलते हैं लिटिल इंडिया इलाका, लेकिन उसी में एक छोटी सी जगह है इसको बोलते हैं बंगाली स्ट्रीट। मेरे साथ आज मंदीप भाई जी। हेलो, नमस्कार मंदीप भाई जी। नमस्कार भाई, राम राम भाई, सारे भाई है ना, राम राम, कैसे हो? बढ़िया जी, बढ़िया। अभी इनसे पूछेंगे एक एक सवाल आपके लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त निरंजन। फिलहाल आ चुका हूँ सिंगापुर में, एक बहुत ही खूबसूरत से शहर, खूबसूरत से देश में, इसको एक शहर भी बोल सकते हो क्योंकि बहुत छोटी सी जगह है और बहुत ही प्यारी है। जो रिलीजियस हारमोनी आपको यहाँ देखने को मिलती है ना, शायद ही कहीं और देखने को मिले। मुझे लगता है कि जो सिंगापुर ने रिलीजियस हारमोनी का जो मॉडल अपनाया वो अपने देश वालों को भी अपना लेना चाहिए। जबरदस्त, तो यहाँ सभी कम्युनिटी के लोग आराम से मस्त बढ़िया रहते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है मंदीप भाई जी, आप यहाँ कितने साल से रह रहे हो? भाई मेरे को करीबन 7 साल हो गए सिंगापुर में रहते हुए। हाँ हाँ, तो और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा लगता है यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 7 साल हो गए नौकरी करते हुए, तो सब बढ़िया चल रहा है। देखो सामने की तरफ जो दीवार बैकग्राउंड में आपको दिखाई पड़ रही, नज़दीक से दिखाता हूँ क्या खास है इसमें, क्या गजब गजब दिखा रखा। देखो यहाँ हवन करते हुए लोग हैं, पीछे की तरफ स्कूल का दिखा रखा है, आर्य समाज मंदिर दिखा रखा है, और भी बहुत सारा है। ये बार्बर की दुकान, गोल्डन स्मिथ एंड ज्वेलरी। इस तरफ देखो भाई, ये भी काफ़ी गाय का दूध निकालते हुए, पूरा इंडियन कल्चर यार। ये गांव में बैठे खाट पे बैठे हुए दादाजी, भाई यार मस्त लग ही नहीं रहा कि मैं यार सिंगापुर में हूँ। यहाँ हवन करते हुए फ़ोटो और ये नहाते हुए लोग काफ़ी अच्छा है, और ये इंडियन यहाँ पे खाने की भी फ़ोटो लगा रखी है यार, गजब भाई गजब। मंदीप भाई जी ये बताओ, जैसे ये बंगाली स्ट्रीट है तो यहाँ बहुत सारे बंगाल से आए लोगों ने अपनी दुकानें लगा रखी है, तो ऐसे इंडिया से आके कोई अपनी सब्जी की दुकान खोल सकता है क्या? वैसे सब्जी की दुकान वगैरह ऐसे डायरेक्ट खोल नहीं सकते, क्योंकि ये जो बंगाली लोग हैं ये एक्चुअली बहुत पहले आ गए थे और वो यहीं के या तो PR हैं या सिटीजन हैं, तो इंडिया से डायरेक्टली आके कोई यहाँ पे धंधा नहीं कर सकता। इंडिया से आके धंधा करने के लिए यहाँ पे आपको किसी यहाँ के सिटीजन के साथ में आपको कोलैबोरेशन करना पड़ता है, तभी आप बिजनेस कर सकते हो। वैसे ना कभी सिंगापुर आओ तो ये वाला आपको देखने को मिलेगा, मुस्तफ़ा सेंटर। इसके अंदर इंडिया से रिलेटेड आपको हर एक चीज़ मिलेगी। चलते चलते ना एक आर्य समाज मंदिर भी आ चुका है, तो मतलब पूरा इधर ऐसा इलाका लगता है कि आप कहीं इंडिया में ही घूम रहे हो। काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का, एकदम पूरा इंडियन टच है। एक चीज़ बताइए कि यहाँ कितने टाइप की जॉब है? तो दोस्तों मोटी मोटी दो तरह की कैटेगरी बात कर लेते हैं, एक तो ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं और एक वाइट कॉलर जॉब्स होती हैं। तो ब्लू कॉलर के अंदर आता है कि जैसे यहाँ पे हेल्पर का काम हो गया या लेबर का काम हो गया, ये सारी ब्लू कॉलर जॉब्स में आती हैं। और बाकी वाइट कॉलर जॉब्स में होती हैं प्रोफेशनल जॉब्स हो गई, जैसे टीचर की हो गई या IT प्रोफेशनल की हो गई, सॉफ्टवेयर की हो गई या मैनेजर्स की हो गई, तो इस ये सारी वाइट कॉलर जॉब्स में आती हैं। अगर मोटा मोटी बात करें तो जितनी भी ब्लू कॉलर जॉब्स है उनको कितना यहाँ पे तनख्वाह मिलती है? ओके, ब्लू कॉलर जॉब की अगर बात कर लेते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गया है, मेरा हेल्पर हो गया किसी कंपनी के अंदर, तो उनको स्टार्टिंग सैलरी होती है करीबन $2,000 के आसपास सैलरी होती है, जो इंडिया के लगभग करीबन 1,25,000 के आसपास हो गया, इंडिया के 1,25,000 के ऊपर। 1,25,000? हाँ। तो उसमें से उनका खर्चा कितना हो जाता है? खर्चा उनको रहने का कोई खर्चा नहीं होता, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए या तो उनको कंपनी खुद ही डॉर्मेटरी प्रोवाइड कराती है, बस खाने का होता है, खाने का उनका खुद का रहता है, रहने का उनका कोई खर्चा नहीं है। तो कुल मिलाकर के 1,25,000 में से वो 1,00,000 बचा सकता है? 1,25,000 में से अगर कोशिश करेंगे तो 1,00,000 बच जाएगा, जैसे 300-400 खर्च कर दिया उसके बाद उनका पूरा बच जाता है। तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड भी की भी पोस्ट होती है, बहुत सारे लोग डालते हैं कि सिंगापुर में सिक्योरिटी गार्ड की भी लगेगी? हाँ, सिंगापुर में सिक्योरिटी गार्ड की भी जॉब्स हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है बिकॉज सिंगापुर इज वेरी सेफ कंट्री ऑलरेडी, बट हाँ सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब होती है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स में मलेशियन लोग ज़्यादा, क्योंकि मलेशिया बहुत पास है तो उनका वीज़ा जल्दी लग जाता है, तो सिक्योरिटी गार्ड में मलेशियंस लोग ज़्यादा आते हैं, इंडियंस थोड़े कम आते हैं। पर अगर सैलरी की बात करो तो वही $1,500-$2,000 के आसपास उनकी भी जॉब। 1,00,000 रुपये पक्का है? हाँ, 1,00,000 रुपये पक्का सिक्योरिटी गार्ड भी बचा सकता है सिंगापुर में। ये 1,00,000 रुपए खर्चा निकाल के, राइट? हाँ, 1,00,000 रुपए खर्चा निकाल के आप 1,00,000 रुपया घर भेज सकते हो। तो भाई वैसे देखे तो इंडिया में जो ठाले बैठे हैं उनको सिंगापुर आ जाना चाहिए। हाँ भाई, वो तो बहुत बढ़िया है सिंगापुर, क्योंकि इंडिया में तो इतना कुछ है नहीं भाई, अगर आप सिंगल हो तो बढ़िया, आप आओ यहाँ पे पैसा कमाओ, अपना जवानी में रहो और बुढ़ापे में मस्त मौज लो घर जाके। ये सही है भाई, जिसकी शादी नहीं हो रही, अकेला है इंडिया में है,
भाई सिंगापुर आ जाओ, इधर नौकरी आपके लिए परफेक्ट इंतजार कर रही है। देखो यहाँ की जो गलियाँ हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी सरोजनी नगर के मार्केट में चल रहे हैं। ऐसे अतिक्रमण पूरा कर रखा है इन्होंने, सड़क बाहर निकाल करके दुकान के पूरा ऐसे गैलरी को भी भर रखा है। कई कईयों ने तो बाहर का जो फुटपाथ है उसको भी पूरा कब्जा रखा है। बाकी आपको बहुत सारे ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल के स्टैचू, इंडियन स्टाइल की दुकानें और इंडियन स्टाइल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इस लिटिल इंडिया वाले इलाके में देखने को मिलेगी। पूरा इनका जो इलाका है उसके बाहर तक इनका सामान रखा हुआ है पूरा काफ़ी बिल्कुल। और इस भाई ने तो पूरा इधर तक पूरा घेर रखा है, आधा फुटपाथ कवर कर रखा है इसने भी। ये देखो जैसे दूर से दिखाता हूँ, आधा फुटपाथ इसने भी बाहर निकाल रखा है। मतलब अतिक्रमण करने की आदत तो जाएगी नहीं, भले ही आप कितने ही सुंदर देश में आ जाओ, कितने बढ़िया देश में आ जाओ। आप देखो यहाँ पे ना ये रेड लाइट हो रखी है सामने की तरफ, अभी ग्रीन है, 7 सेकंड, भागो 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 भागो, 5 बजे हैं। अगर आपने ये जंप कर दी तो भाई आपकी फ़ोटो खींच जाएगी, और अगर आप टूरिस्ट हो तो आपको एयरपोर्ट पे फ़ाइन चुकाना पड़ेगा। जब आप एग्जिट करोगे ना तो वहाँ पे फेस स्कैन होते आ जाएगा, भाई आपका इतना फ़ाइन बाकी है। और अगर आप यहाँ के PR हो या फिर यहाँ रहने वाले कार्ड पे काम कर रहे हो तो भाई आपके ऑफिस में फ़ाइन का पर्चा पहुँच जाएगा। ये यहाँ का सीन है। तो अगर रेड लाइट जंप कर दिया कितना फाइन पड़ेगा? रेड लाइट जंप कर दिया तो $50 का फाइन है, ऑलमोस्ट 3,000 रुपए का फाइन है भाई। अगर 3,000 रुपए और सीधा आपके कंपनी में ऑफ लेटर जाएगा कि भाई तुम्हारे बंदे ने रेड लाइट जंप कर दी है। ये भाई सिंगापुर की सब्जी मंडी है, देखो सिंगापुर में क्या हाल चाल भाई। ये सिंगापुर में जो जो सब्जियां मिलती है ना वो आप सब देख लो भाई, है कि नहीं? जोरदार सीन है यहाँ का, काफी अच्छा। टमाटर, बैंगन, केला, सब लौकी सब मिल रहा है भाई। ये है यहाँ का सारा सीन, देखो पूरा एकदम देसी माहौल लग रहा है ना। लग ही नहीं रहा कि हम भाई साहब सिंगापुर में है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं इंडिया में घूम रहे। और ये है पान की दुकान, यहाँ आप सिंगापुर में भी पान खा सकते हो बढ़िया कत्था लगवा करके, वो यार जोरदार चीज़ है भाई। कई लोग इधर टीचर की जॉब में आना चाहते हैं तो उनके लिए कितना पैसा कमा सकते हैं वो? ओके, टीचर की नौकरी के लिए मतलब ज़्यादा है नहीं, अगर ज़्यादा है नहीं, लेकिन इंटरनेशनल स्कूल में अगर आपने अच्छा एक्सपीरियंस ले रखा है तो आपको कंसीडर करा जाएगा, और करीबन 8,000 से 10,000 डॉलर आपको स्कूल में मिल जाएगा। मतलब कम से कम इतना मिल सकता है? हाँ, कम से कम 8,000 से 10,000 आपको मिल जाएगा। बाकी स्किल पे डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। बाकी हाँ, स्किल और आप क्या पढ़ाते हैं, कितने क्या, अगर आपने PhD करी है जो, वो क्वालिफिकेशन पे और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। मोस्टली यहाँ पे किस चीज़ को प्रायोरिटी दी जाती है? आई थिंक क्वालिफिकेशन को, क्वालिफिकेशन एज वेल एज एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। ओके, सो उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सिंगापुर में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लैंग्वेज में क्या है उनको, कौन सी, चाइनीज, इंग्लिश, कौन सी लैंग्वेज में स्टडी होती है? सिंगापुर में अगर आपको इंग्लिश आती है दैट इज वेल सफिशिएंट, तो सिंगापुर में इंग्लिश में सारा काम चल जाता है। ओके, ये दो बड़ा आ रखे हैं और भाई साहब मनदीप जी अंदर से चाय लेके आ रहे हैं, और इस वाले रेस्टोरेंट में आराम से बढ़िया अभी एक बार ब्रेकफास्ट टाइप का करते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। दोस्तों यार मैंने सुना है, वैसे तो यहाँ पे जो नॉन स्मोक वाला तंबाकू वो बैन है, मगर सुनने में आया कि किसी को अगर गुटखा चाहिए या मिराज वगैरह या ऐसे जो जाफरी वगैरह जो होते हैं ना तंबाकू वाली चीज़ें, वो खानी होती है तो वो भी मिल जाती है यार। मतलब क्या ही कहें यार, जो हर लोग तो हर जगह मिलते हैं। वैसे सिंगापुर दोस्तों एक दुनिया का सबसे सुरक्षित देश भी माना जाता है। यहाँ पे अगर आप कोई सामान भूल गए तो उसको कोई चोरी नहीं करेगा, और आपको हर जगह कैमरे भी देखने को मिलते हैं, एज सेम लाइक चाइना। अगर आप चाइना घूमे और आपने समय दिया है उधर, तो ऐसा लगता है कि आप चाइना के किसी शहर में घूम रहे हो, क्योंकि यहाँ ना बहुत सारी जगह आपको सेकंड लैंग्वेज चाइना में लिखा हुआ मिलता है, और आपको मोस्टली तमिल में भी मिलता है। ये इधर बहुत सारे मकान बन रहे हैं, इसको बोलते हैं हाउसिंग बोर्ड वाले मकान, जो कि यहाँ पे सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं, और ये यहाँ के लोकल PR लोगों को भी नहीं बिकते, केवल लोकल लोग खरीद सकते हैं इसको। हाँ, नए मकान को केवल हाँ सिटीजन खरीद सकते हैं, ओनली सिटीजन। एक चीज़ और कि सिंगापुर में जैसे आप दिखाया कि भाई ये सरकारी घर हैं सारे, तो सरकार बनाती है, लेकिन सिंगापुर की 80% आबादी भाई सरकारी घरों में ही रहती है। अच्छा, फ्लैटों में ही रहती है। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि जो सरकारी घर मिलता है, जो सरकार बेचती है, सपोज $3,00,000 का बेचा, लेकिन अगर प्राइवेट घर खरीदोगे, आप प्राइवेट फ्लैट खरीदोगे, तो उसकी कीमत करीबन बहुत ज़्यादा होती है, $15,00,000 के आसपास होती है। तो इसलिए लोग ये बजट होम्स होते हैं, और ये सरकार इनको बेच देती है बनाने के बाद। तो फिर बाकी को बाहर का तो जब खरीद ही नहीं रह सकता तो वो किराए पे रहता है। हाँ, बाहर के बंदे हम किराए पे रहते हैं, जैसे तो जैसे फ्लैट है, क्योंकि लैंडेड घर तो कम है, ज़मीन कम है सिंगापुर के पास, तो लोग एक फ्लैट के अंदर ही एक कमरा किराए पे दे देती है, तो क्या है
स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप, का। तो उसका किराया कितना होता है? किराया जैसे एक कमरे की अगर बात करो तो $800 यानी करीबन 50,000 रुपए एक कमरे का कम से कम किराया होता है। कम से कम किराया एक कमरे का 10x10 का कमरा होगा और उसका 50,000 रुपए किराया है। अच्छा, थोड़ा सा दूर बाहर ले लो तो? बाहर लोगे तो ज़्यादा फर्क आता नहीं, 100-150 मतलब 5-7 हज़ार रुपए और बचा लोगे आप, लेकिन वो फिर आपस आपका दूर हो जाएगा ऑफिस से, फिर आपका ट्रेन का आने जाने का खर्चा लग जाएगा तो ज़्यादा फायदा होता नहीं। भाई बिजनेस करना हो तो चाइनीज लोगों से सीखो, मार्केट लिटिल इंडिया का और शॉपकीपर है बिजनेसमैन है यहाँ पे चाइनीज, काफी अच्छा है यार बिजनेस भाई चाइनीजों के नीचे। भाई जी ये आईटी वालों के बारे में बताओ ना। भाई आईटी वालों के लिए तो ये लगा लो कि आप किसी भी देश में चले जाओ जन्नत है। आईटी वालों की भाई दुनिया भर की भर भर के नौकरी है और भर भर के नौकरी साथ भर भर के पैसा मिल रहा है। मतलब कितना ऐसा भर भर के? मतलब अगर सिंगापुर आते हो तो आईटी वालों को ऑन एन एवरेज 3 लाख रुपए महीने का आराम से मिल जाता है। 3 लाख 3 लाख रुपए महीने का आराम से, उसमें से आप 1 लाख रुपए खर्चा निकाल लो, 2 लाख रुपए फिर भी आप इंडिया में भेज दोगे। क्या बात है भाई साहब, तो मतलब प्रॉपर्टी बना लो, प्रॉपर्टी बना लो। और अगर आईटी वाला जैसे किसी स्पेसिफिक लाइन में है और अच्छा एक्सपीरियंस है बैंकिंग जॉब में है तो ये लगा लो $15,000 आपको 9-9 लाख रुपए आपको महीने की सैलरी मिलती है। और भाई साहब मतलब आईटी वाले जितने भी इंडिया में हैं बेरोजगार बैठे हैं उनको सब सिंगापुर आ जाओ भाई, सिंगापुर आ जाओ। वैसे अब तो इंडिया में भी अच्छा पैसा हो गया लेकिन सिंगापुर में बहुत अच्छा पैसा मिलता है। लाइफ स्टैंडर्ड भी लाइफ स्टैंडर्ड हाई है, टैक्स बहुत कम है, लेकिन अगर आप परिवार के साथ रह रहे तो फिर आप कुछ नहीं बचाओगे क्योंकि बच्चों को पढ़ाना और पूरा घर रेंट पे लेना बहुत महंगा है। वैसे यहाँ की खूबसूरती बहुत ही प्यारी है, वेदर और कंडीशन बहुत ही अच्छा, पोल्यूशन तो नए के बराबर ही यहाँ पे दिखाई पड़ता है। और जो गाड़ियाँ हैं वो भी बहुत ही अच्छी अच्छी, देखो सामने की तरफ एक गाड़ी आ रही है, इसके ऊपर केले हैं, माला है, ये सब लगी है। तो आप ऐसे को लगता नहीं है कि आपको कि आप यहाँ सिंगापुर में कोई विदेश कंट्री में खड़े हो। इस गाड़ी के ऊपर भी बहुत ही अच्छी डेकोरेशन है। तब सब लोग बोलते हैं कि ये नौकरी है, ये नौकरी, ये नौकरी है, उस नौकरी को ज्वाइन कैसे करना है, नौकरी मिलेगी कैसे, इस पर कोई बात नहीं करता। मैं बताता हूँ भाई जी, ये बताओ नौकरियाँ तो बहुत सारी है, मिलेगी कैसे? तो भाई नौकरी सीधा सीधा हिसाब किताब है। अगर वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर की बात करें, ब्लू कॉलर नौकरी मिलती है सीधा एजेंट के थ्रू, डायरेक्ट कंपनी ब्लू कॉलर जॉब को नहीं लेती जो है। लेबर हेल्पर है, लेबर हेल्पर है वो एजेंट के थ्रू ही लेते हैं क्योंकि एजेंट उनके सारे कागज डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके फिर एम्प्लॉयर को सब प्रोफाइल सबमिट करता है। और जो ब्लू कॉलर जॉब हो गई, ब्लू कॉलर जॉब डायरेक्ट एम्प्लॉयर से मिल जाती है, आप लिंक्डइन वगैरह पे सर्च कर सकते हो। लिंक्डइन पे अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, वाइट कॉलर तो लिंक्डइन में अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आप प्रोफेशनल हो, तो आपको कंपनियां और एजेंट दोनों ही रहते हैं। अगर एजेंट होगा, एजेंट आपको प्रोफाइल एम्प्लॉयर को दे देगा, एम्प्लॉयर को अच्छा लगेगा तो कंपनी एजेंट को 1 महीने का कमीशन दे देती है, आपको अपनी जेब से कुछ नहीं देना होता है। तो कई बार लोग भी तो अपने एजेंट को पैसा देते हैं ना? कई दे देते हैं, वो हर एजेंट का अपना अपना होता है। कुछ एजेंट कहते हैं मैं आधा कंपनी से लूँगा, आधा मैं तुमसे लूँगा। अच्छा अच्छा, तो इसके अलावा और क्या रास्ता हो सकता है? और तो ये दो ही रास्ते होते हैं। तो कंपनी डायरेक्ट हायर करेगी, उसके लिए आपको लिंक्डइन पे अच्छी प्रोफाइल बना लो, या ऑनलाइन जॉब पोर्टल होते हैं हर देश के, जैसे अपने इंडिया में naukri.com चलता है। चलते चलते है ना यहाँ पे ये मेट्रो स्टेशन भी आ गया है दोस्तों, अभी मेट्रो स्टेशन के अंदर चलते हैं और आपको कुछ एक नई चीज़ भी दिखाता हूँ, उसके बाद में बताऊँगा। इसके अलावा भी नौकरी मिलने का एक और रास्ता है, वो नौकरी कैसे मिलेगी आपको? वैसे सारे मेट्रो स्टेशन है ना काफ़ी अंदर डीप है, तो पूरे जो है ना सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ता है। वैसे इनके मेट्रो स्टेशन काफ़ी साफ सुथरे हैं और कहीं भी आपको भिखारी तो दिखाई देगा ही नहीं बिल्कुल भी। मेट्रो स्टेशन के ऊपर की खास चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये लेवेंडर करके इस मेट्रो स्टेशन का नाम है, मगर यहाँ इंग्लिश में भी लिखा है, चाइनीज में भी लिखा है और तमिल भाषा में भी लिखा है, तीन जगह पे तीन भाषाओं में एक साथ लिखा है। और लिखा ही नहीं, अनाउंसमेंट भी है ना तमिल भाषा में भी साथ साथ में होते हैं, चाइनीज, इंग्लिश और तमिल तीनों। मरीना बे, अभी यहाँ से हम जाएंगे, ये रेफरल्स प्लेस है ना इसके लिए। ये देखो भाई दोस्तों पहुँच गए इनकी नाइट लाइफ वाली जगह पे, बहुत बड़ा मार्केट भी है, इसको मैं अगले वीडियो में कवर करता हूँ और उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। वैसे इनसे एक और चीज़ पूछ लेते हैं, एक और तरीका बताओ जिससे नौकरी मिल सकती है लोगों को। भाई नौकरी मिलने का, अगर आपको जल्दी से जल्दी नौकरी चाहिए तो आपको थोड़े लिंक और कॉन्टैक्ट बनाने पड़ेंगे। आप उन लोगों से बात करिए जो यहाँ पे पहले से नौकरी कर रहे हैं, और उनको वो अगर आपका रेफरेंस लगाते हैं अपनी कंपनी में तो डायरेक्ट आपका बिना किसी एजेंट के थ्रू आपका नौकरी का यहाँ पे हो सकता है जुगाड़। भाई ये और भी बढ़िया इन्होंने बता दिया, मंदीप भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंदीप भाई जी आपने भाई सबकी हेल्प की, और मंदीप भाई जी का चैनल है मंदीप सिंगापुर करके, जिसमें भी आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। और फिलहाल इस जगह के बारे में दिखा देता हूँ, बड़ी बड़ी जो सिंगापुर की आपको इमारतें दिखाई पड़ी है आज तक, वो इसी इलाके में होती है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं यहीं से शुरू करूँगा और इसमें आपको बहुत सारी और चीज़ें बताऊँगा, और ऐसी वाली चीज़ें भी बताऊँगा कि सिंगापुर अगर आप आते हो
तो ये वाली गलतियां मत करना, नेक्स्ट वाले वीडियो में बताता हूँ, नहीं तो इतना फाइन लगेगा, इतना फाइन लगेगा कि मतलब पुश्तें ही चूक जाएगी लेकिन फाइन नहीं चूक पाएगा। अभी एक बहुत ही खतरनाक हुआ था, एक इंडियन ने बहुत ही गलती की थी, एक बीच के एरिया पे कुछ कर दिया था तो उसका भी एक फाइन हुआ था, उसके बारे में भी आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, आगे वाला भी काफ़ी काम की चीज़ होगी उसमें, और यहाँ के इलाके के बारे में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग घुमाने वाली चीज़ भी दिखाऊंगा। मिलते हैं भाई दोस्तों अगले वीडियो में। अगर इस वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक्स फॉलो सब्सक्राइब सब कर दीजिए। यार दोस्तों जो मेरे भाई बेरोजगार हैं जिनको रोजगार चाहिए उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, और अगर कोई कमी लगती है, कोई चीज़ रह गई इस वीडियो में तो आप मुझे वैसा कमेंट करके बताइए, मैं उसको अगले वीडियोस में जल्दी से जल्दी पढ़ करके उसको एड करूँगा और नेक्स्ट वीडियोज़ में उसके बारे में बताऊँगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।